आइए हम प्रतिदिन प्रयास करें कि हम क्रिया योग ध्यान और अच्छी तरह से कैसे करें। याद रखिए, सिर से पैर की अंगुली तक इस राष्ट्र का राजा जब तक मन है, तो मन का स्वभाव है सीमित वस्तु को स्वीकार करना। असीमता से मन को प्रेम नहीं है। जैसे समुद्र है, समुद्र की लहर, मन समुद्र की लहर को अधिक पसंद करता है, लहरों को ही देखता है, समुद्र को देखना भूल जाता है। याद रखिएगा, मन का स्वभाव सीमित चीज से आकर्षित होना और उसी को स्वीकार करना। जब सीमित चीज को स्वीकार करते करते ऐसी स्थिति आती है कि परेशानी बढ़ रही है, तब बुद्धि तत्व अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। तब ये पता चलता है कि अब हमको सीमा से बाहर होना है। जो सीमित भाव में है वो ठीक नहीं है, हमारी यात्रा असीमता की तरह होना है। जब असीमता की तरफ हमारी यात्रा होगी तो हमारे संकट कम होने लगते हैं। जब यात्रा में लीन हो जाते हैं तो संकट अदृश्य हो जाता है। ये है, आइए अब क्रिया योग ध्यान। क्रिया योग ध्यान में हम स्वरूप में एकाग्र होते हैं। तो शरीर है क्या, संपूर्ण ज्ञान का ये साकार रूप है। ये मन को अच्छा नहीं लगता मानने में, मन को अच्छा लगता है ये मानने में कि हाड़ मांस है। हाड़ को पढ़ने में ऑस्टियोलॉजी, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बोन, हड्डी का आकार क्या है, मसल्स क्या है, एक एक चीज कोशिकाएं क्या है, फिर कोशिकाओं के अंदर डीएनए आरएनए कहाँ है। मन को इस सब में मजा आता है, मन को इसमें आनंद नहीं आता है कि सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति कहें। मन इसको तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े करके इसको जानना चाहता है। तो मन का हमेशा ये स्वभाव रहा है किसी चीज़ को जानने के लिए उसको टुकड़े टुकड़े करता है। जैसे पत्थर क्या है, पत्थर का टुकड़ा किया गया तो एक ऐसे निष्कर्ष पर आए, इतना छोटा टुकड़ा हुआ जिसका नाम एटम रखा गया। फिर एटम क्या है उसको ज्ञान पाने के लिए फिर मन ने तोड़ने की क्रिया किया, और मन का साथ बुद्धि देता है। तो बुद्धि की मदद से मन हमेशा सीमित दायरे में रहने का आदि है और सभी कष्ट का ये कारण है। क्रिया योग ध्यान क्या है, असीमता से जुड़ना, क्योंकि कोई चीज़ सीमित नहीं है। एक परमाणु लीजिए, उसके अंदर असीम ज्ञान है। उसी के अंदर का वो ज्ञान है जिसको रिमोट पावर कहते हैं, जिससे रॉकेट उड़ता है और एटम के अंदर प्राप्त जो शक्ति है उसको रिमोट से हम उपयोग करके हम रॉकेट की दिशा देते हैं। तो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर और कितनी शक्ति है, अनंत है। क्या है, कुछ अनंत है। तो मन उस अनंत को पाने के लिए टुकड़े टुकड़े करता है, शरीर को जानने के लिए चीड़फाड़ करता है। अब आइए क्रिया योग ध्यान में, जो चीज़ हमें अंत में मिलेगी कि अंतिम सच ये है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं। जब सारी रचनाएं अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, पोटेंशियली वास्ट इन्फिनिट हैं, तो उसको अनुभव हो या ना हो हम प्रारंभ में ही मान लेते हैं। अंतिम सच क्या है कि पानी मरता नहीं है, अणु परमाणु ऊर्जा की तरंगे, आसमान हवा, ये मरता नहीं है। जब सब चीज़ मरता नहीं है तो सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को अमरता की अनुभूति के रूप में स्वीकार कर लिए। लेकिन मन कहता है सुख दुख है। मन को ये कह देना कि पैर की उंगली से सिर तक की अनुभूति अमरता की अनुभूति है,
संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है, परम शांति तत्व का साकार रूप है। मन सीमित शांति को स्वीकार करता है, कभी कहता अकेले में बैठ के अब शांति है, फिर परिभाषा बदल देता है, सेवा करना शांति है। कभी कहता दाहिने चलो शांति है, कभी कहेगा बाएं चलो शांति है, कभी कहेगा ऊपर उड़ो तब शांति है, कभी कहेगा पृथ्वी पर चलो तो शांति है। इसलिए मन शांति की विशालता को स्वीकार करने में असमर्थ है। इसलिए क्रिया योग ध्यान में हम अंतिम सच को पकड़ते हैं कि पैर की उंगली से सिर तक हम जो अनुभव कर रहे हैं परम शांति का साकार रूप है, संपूर्ण ज्ञान तत्व का साकार रूप है, परम आनंद का साकार रूप है। जबकि आनंद अनुभव करने में पता नहीं चल रहा है, तो मन क्या कहता, नहीं स्वाद में आनंद है, दृश्य में आनंद है, म्यूजिक में आनंद है, स्पर्श की भिन्न भिन्न स्थितियों में आनंद आता है, कभी कभी गर्मी छूने में अच्छा लगता, कभी जाड़ा, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्रिया योग ध्यान इसलिए हाईवे कहा जाता है और रॉयल पाथ कहा जाता है फ्री वे। अंतिम सच को हम पहले ही मान लेते हैं, पैर की उंगली से सिर तक की अनुभूति यह सर्वज्ञ तत्व की उपस्थिति है, संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है। हम इसको मान करके इसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं और यही सर्वज्ञ तत्व को ही सर्वशक्तिमान तत्व भी कहते हैं। इसी को परम शांति तत्व, परम आनंद तत्व, सब यही है। एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, लेकिन मन कहता है ज्ञान अलग है, शक्ति अलग है, शांति अलग, आनंद अलग है। सच क्या है कि सब एक ही है। तो क्रिया योग ध्यान को राजयोग इसलिए कहा गया, रॉयल पाथ, कि फ्री वे है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसको हाईवे कहते हैं, सीधा सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति करके हम इसकी अनुभूति को स्वीकार करते हैं। अब स्वीकार करने की क्रिया बहुत अच्छी तरह से हो, इसलिए भ्रूमध्य का सहारा लेते हैं। आँख बंद रखते हुए, थोड़ी सी आँख खोले हुए, भ्रूमध्य कहाँ है ये याद रखते हैं। भ्रूमध्य के सामने जो आभामंडल दिख रहा है ये क्या है, इसको भी याद रखते हैं। और फिर सिर और रीढ़ की अनुभूति करते हैं, सिर और रीढ़ अच्छी तरह से हम अनुभव करते हैं। जब सिर और रीढ़ की अनुभूति को क्या कहेंगे, वो भी ज्ञान की अनुभूति है, वही शक्ति है, वही शांति तत्व, वही आनंद तत्व है। तो ये सब चीज़ अभ्यास करते हैं लेकिन मन को अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, अभ्यास करते जाइए, धीरे 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 मन को अच्छा लगने लगेगा। जब मन को अच्छा लगने लगेगा तो अभ्यास में आसानी हो जाएगी। कुछ समय के बाद ये जो एकाग्रता करके अनुभव करते हैं, ये अनुभूति नित्य नए आनंद के रूप में आ गई। जब नित्य नए आनंद के रूप में आ गई, हम लेटे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बैठे हैं, हर समय जो अनुभूति होती है नित्य नया आनंद है, अगर हम ये कहते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब कि अब हम बहुत विकसित हो गए हैं। अब भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू हो जाएगी। सिर से पैर की उंगली तक इसमें बैठे हुए सूक्ष्म जगत कहाँ है, वहाँ यहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ जा सकेंगे हम सूक्ष्म शरीर के प्रयोग से। इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि मन सीमित भाव को मानता है, तो आपको मन को समझाना पड़ेगा, अरे भाई अभ्यास कर लीजिए, सिर से पैर की उंगली तक के ज्ञान तत्व है। इस श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, 15वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए तो ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है। अभ्यास करके देखिए, कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाइए, संपूर्ण परिवर्तनों को स्वीकार करिए कि सब कुछ यही है, ये आत्मा परमात्मा है, सब कुछ यही है। कुछ मिनट अभ्यास के बाद फिर जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से अभ्यास करते जाइए और सावधान रहिएगा कि मन पसंद नहीं करता है। बस अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे मन आदत के साथ होता है,
जब अभ्यास की आदत हो जाएगी तो मन स्वीकार कर लेगा, क्योंकि मन आदत के सहारे चलता है। तो नया नया अभ्यास है तो मन को भाएगा नहीं, प्रतिदिन अभ्यास करिए, कभी न छोड़िए। तो अभ्यास की जब एक आदत बन गई तो मन उसको स्वीकार कर लेगा। जब मन इस अभ्यास को स्वीकार कर लिया फिर तो पूछना ही क्या, फिर तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर स्वरूप में एकाग्रता बढ़ा करके प्रत्येक अनुभूति, चाहे हम लेटे हों, बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, अगर प्रत्येक अनुभूति नित्य नए आनंद के रूप में अनुभव होने लगी, इसका मतलब कि मन स्वीकार कर लिया है और मन के पास बड़ी ताकत है, फिर जो चाहिए वो होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभ्यास करते करते इस तरह से अभ्यास करिए जैसे हम सोते हैं, जगते हैं, हर समय श्वास चलती रहती है, ऐसे अभ्यास हर समय चलता रहे। ये कैसे होगा सोचिए मत, अभ्यास करते करते ज्ञान आ जाएगा। विद दिस ब्रीफ मैसेज, लेट अस फील हेड टू टोज बाय रेजिंग आर्म्स अप, बाय फोल्डिंग आर्म्स, ओपनिंग आर्म्स, मूविंग आर्म्स अप एंड डाउन, क्लेंचिंग फिस्ट, ओपनिंग पाम। हाथों को ऊपर नीचे करें, मोड़ें और फैलाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, पैर की उंगली से सिर तक अस्तित्व की अनुभूति करें, दाहिने और बाएं पैर को हिलाएं डुलाएं, टेंस रिलैक्स राइट एंड लेफ्ट लेग अल्टरनेटली, फील बोथ लेग्स मोर एंड मोर, ट्राई टू एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट, बोथ लेग्स आर एक्सटेंडेड, टर्न टोज अप द फीट, बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड, फोल्ड एंड ओपन राइट एंड लेफ्ट लेग, मूव राइट एंड लेफ्ट आर्म विद हेल्प ऑफ बोथ आर्म्स, ट्राई टू टच बोथ लेग्स ईच एंड एवरी पार्ट विद दिस थॉट, दिस इज अ विजुअल प्रेजेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स, वी फील ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस नॉलेज इन दिस यूनिक फॉर्म हेड टू टोज। विद दिस ब्रीफ मैसेज लेट अस bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. Ab hum baithenge, now we will sit, aankhein khole, open eyes.